अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी चिकन अल्फ्रेडो सूप। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं एक डेगची में डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप की हुई, या आप 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर लें। इसमें चिकन डालूंगी बोनलेस 1 पाव। चिकन की मैंने 6 से 7 बोनलेस बोटियां लेकर उनको काट दिया था। और अगर आप इनको फ्रोज़न ही काटेंगे थोड़ा सा डीफ्रोस्ट करके तो इसके बहुत ही अच्छे से चंक्स बन जाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी नमक हसबे जायका, और जो चिकन का अपना पानी निकलेगा उसमें मैं इसको पका दूँगी। और फ्लेम मैंने लो ही रखी है। साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। अब बस इसको 5 से 10 मिनट तक मैं छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। चिकन बन गया है। अब मैं इसको निकाल के अलग से एक प्लेट में रख दूंगी। और अब इसी देगची में मैं डालूंगी 1 या 2 टेबलस्पून बटर। बटर मेल्ट होने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 3 खाने के चम्मच मैदा। और ऑयल आप चेक कर लीजिएगा, ऑयल या बटर जो भी आप डालें, अगर जो आपको कम लगे तो आप फिर जो है वो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। अब बस मैं इसको पकाऊंगी 5 मिनट के लिए, और इसमें चमचा मुसलसल हिलाते रहना है। मिनट बाद अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी 3 कप। और दूध डालने के बाद आप जो भी इसमें करें वो आपने सारे प्रोसीजर जल्दी जल्दी करने हैं, क्योंकि वरना फिर ये गाढ़ी हो जाएगी और फिर जो है वो ये सूप नहीं रहेगा और सॉस बन जाएगी। दूध डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक हसबे जायका, थोड़ा सा ओरिगानो, और ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंद तो स्किप कर दें। बाद में इसमें डालूंगी 1/2 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब बस इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी वरना ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। फ्लेम ऑफ़ करके मैं इसमें चीज़ डाल दूंगी। चीज़ आपको जो भी पसंद हो आप डाल दें, मोज़रेला डाल दें या चेडर डाल दें। मेरे पास जो है वो चीज़ स्लाइसिस थे मोज़रेला के, तो मैंने वो 4 डाल दिए। और अब बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। मैंने स्पेगेटी ऑलरेडी बॉईल की हुई है, वो मैं एक बॉल में रख के ऊपर से मैं इसमें ये डाल दूँगी। अगर आपके पास स्पेगेटी ना हो तो आप कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी सारे सेम ही होते हैं, सिर्फ इसका शेप डिफरेंट होता है। और अगर आप ये पास्ता नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और अब ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पार्सले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।